तो हमारे चैनल ओवरव्यू स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि कैसे हम लोग आर ओ ए आर ओ के सिलेबस को UPPCS के सिलेबस के साथ साथ साइमल्टेनियसली हम तैयारी कर सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे ओनली फॉर द आर ओ ए आर ओ। तो हम लोग ए आर ओ के लिए ही केवल डिस्कशन करेंगे कि इसको हम कैसे मेंस के और प्री दोनों एक साथ तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपनी रणनीति को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और सब डिस्कशन करने से पहले हम ये देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हम ये देखे थे कि हमारा प्री का सिलेबस आर ओ के लिए क्या है, जिसमें आपका जी एस है और उसके बाद हिंदी है। और मेंस में हम ये देखे थे कि मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी आती है और जी एस में आता है, तो और लेकिन यहाँ पर एक है कि सब्जेक्टिव भी आता है, तो ये वाला हमको तैयार करना है। इसी को मेंस का बोलते हैं, मेंस में जो लिखित है। बाकी तो ऑब्जेक्टिव जो प्री और मेंस में दोनों सेम है, जो जी एस का ऑब्जेक्टिव जी एस जो है प्री और मेंस दोनों में सेम है, जो कि ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पर हिंदी में जो गद्य लेखन और क्या बोलते हैं कुछ व्याकरण शुद्धियाँ और निबंध जो कि हमको लिखना पड़ता है, तो ये लिखित है। तो इसी पर हमारा चर्चा करेंगे कि कैसे हम इसको तैयार करें। और सबसे पहले तो हम इसको आगे हम बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि पिछले साल का पेपर कैसा आया था, ताकि हम ये सोच सकें कि हमें किस प्रकार से तैयारी करना है। तो चलिए हम लोग पेपर थोड़ा देखते हैं। तो अभी तो हम 2023 का जो आर ओ का एग्जाम है तो प्री कैंसिल हो गया, तो हम इसलिए प्री और मेंस दोनों नहीं हो पाया, तो इसलिए हम 2021 का एग्जाम का प्री और मेंस का पेपर को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और अपने रणनीति बनाएंगे। तो दोस्तों ये देखते हैं कि ये 2021 का जो पेपर है, तो इस पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमारी क्या रणनीति होती है। हम अपने पेपर को देखते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये सामान्य अध्ययन का पेपर है जीएस का, और इसमें आगे देखते हैं तो इसमें 140 क्वेश्चन पूछा जाता है, 140 क्वेश्चन जनरल स्टडी के हैं और पूछा जाता है। तो इसमें इस प्रकार हम देखते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें सेम उसी तरह से जिससे 2023 में भी पूछा गया है। तो ये जीएस का ये फर्स्ट जो प्री में पूछा जाता है, तो इसमें ज़्यादातर हम देखने को मिलेगा तो ये अब फैक्चुअल है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर यहाँ पर देखते हैं, देखिए थोड़ा सा ये, अगर आप फैक्चुअल पूरा तैयार नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए फैक्ट भी याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर साफ साफ आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल है, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर तो आप शायद इस ये आपको नहीं बता सकते हैं। तो आप इसी तरह से हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हमारी रणनीति हो। तो पहले हम पेपर को देखते हैं और ध्यान से देखिए ये सब 2000 देखिए यहाँ पर कुछ मैथ के भी क्वेश्चन पूछे गए, 62 वाला जो है मैथ के क्वेश्चन है, उसके बाद ज़्यादा पूछा गया है। लेकिन 2023 में फैक्चुअल की संख्या थोड़ा सा कम हुई थी, जो फैक्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, जिस तरह से यहाँ पर भी देखिए कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है 76, तो इसी टाइप के क्वेश्चन की भरमार इस बार हो गई थी। तो इसलिए हम इस ये भी अपनी रणनीति में ये देखेंगे कि हमें स्टेटमेंट यानी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो स्टेटमेंट में पूछे या फैक्ट में पूछे, हम आराम से हल कर सकते हैं। और आराम से पेपर देखिए, देखने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ देखिए, अगर कहा जाता है कि अगर प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन है तो मेंस में भी फैक्चुअल, प्री और मेंस दोनों हम एक साथ तैयार कर सकते हैं आराम से। तो जीएस के लिए तो हम साथ में लेके चलेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। देखें यहाँ पर भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में भी, तो बस यही है कि उसकी संख्या बढ़ जाती है, बस यही अंतर है, कभी कम कभी, लेकिन इस बार थोड़ा सा संख्या बढ़ गई थी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के। यहाँ पर फिर देखेंगे तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फैक्चुअल स्टेटमेंट, फिर देखिए 21-20 का क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, देखिए फिर स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यानी जो मेंस में पूछा गया था 2021 में, वो प्री एलेबल में आ गया था, इसका मतलब मेंस टफ होने वाला है। इसका मतलब कि आप देखिए तो कुछ एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन ये पूछ रहा है। 21 में जो मेंस के लेवल क्वेश्चन था, इस बार प्री के लेवल क्वेश्चन था, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। देखिए मैथ का भी क्वेश्चन है जो कि 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं मैथ के, तो मैथ भी साथ साथ फैक्ट भी। और पिछले साल का पेपर पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि हमें अपनी कैसे तैयारी करनी है। तो हम लोग ये मेंस का पेपर देख रहे हैं और इसमें ये भी देखिए इस बार भी एक 2021 में जो पूछा गया था, इस बार देखिए बजट में डायरेक्ट पूछ दिया गया। इस बार जो 21 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप, 23 का तो 23 का देखेंगे पेपर, तो उसमें ये स्टेटमेंट में चला गया है, बस यही अंतर है।
तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्वेश्चन फिर है, तो आपको ध्यान देना। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आसान होते हैं बस थोड़ा सा, लेकिन फैक्ट याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बार बार पढ़ने से फैक्ट याद होता है। ये मैथ के क्वेश्चन है जो कि आसान आते हैं, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। देखिए फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस हमको जहाँ तक उम्मीद है करंट अफेयर कोई पढ़ रहा होगा तो डेली का डेली तो आराम से कर सकता है। अब देखिए अब हमारा देखिए हिंदी का ये लिखित है जो जो हमें लिखना है, 100 नंबर का लिखने को मिलेगा। और इसमें ज़्यादातर हमारा हम शुरुआत जो कर रहे हैं तो मेंस की तरफ से ही कर रहे हैं, पहले मेंस का पढ़ेंगे उसके बाद प्री का। तो अब मेंस में लिखना है तो इसमें हमें देखना है कि सबसे इसमें देखिए 100 नंबर का पूछा था 2.5 घंटे का, और हिंदी और आलेख, तो इसमें ये देखेंगे कि हिंदी और आलेख में क्या। पेपर देखने से हमें ये मालूम चलता है कि हमारी अपनी तैयारी हम कैसे करें, तो इसलिए पेपर को बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखिए पहले ये लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो सभी प्रश्न हमारे अनिवार्य, और यहाँ पर दाहिने ओर रंग अंकित किए गए। तो पहले एग्जाम हॉल में पढ़ने से बढ़िया कि पेपर का रंग रूप अभी बाहर ही देख लिया जाए, तो एग्जाम हॉल में हम आराम से हल कर सकते हैं। और पेपर क्या है, मार्गदर्शक का काम करता है हमारा, पेपर से ही हम सीख सकते हैं कि हमें कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, क्या हमारा जो पढ़ रहे हैं वो क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसी तरह से हम पेपर देख रहे हैं, तो देखें यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया है, अपठित गद्यांश दिया है जिसको पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देना। तो ये देखिए यहाँ पर तीन लाइन खींची गई है, एक अंडरलाइन, दो अंडरलाइन, तीन अंडरलाइन, इस पर क्वेश्चन बनाया गया। तो देखिए सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त शीर्षक बताइए, क्या पूछा है तो उपयुक्त शीर्षक बताइए, यानी उपयुक्त का शीर्षक बताना है। इसका शीर्षक क्या होगा इस पर हमको जानना चाहिए, सारांश क्या होगा इसको हमको जानना है, और रेखांकित का संक्षिप्त विवरण। पहला क्वेश्चन हमें एक गद्य मिलेगा जिसमें से हमें ये तीन क्वेश्चन हमें तैयार करना है। नेक्स्ट हम गद्य बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तो एक सारणी रूप में यानी एक पत्र मिलेगा जिसको हमें सारणी के रूप में लिखना है। पत्र मिला उसको टेबुलर फॉर्म में सारणी रूप में करना है, और 15 नंबर का मिलेगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कैसे दिया गया है, तो यहाँ प्रेषक है, सेवा में है, और इसको हमको सारणी रूप में दिनांक दिया गया यानी पत्र दिया गया, उसको हमको अपना इसको हम सारणी के रूप में कालम के रूप में, मतलब कि कालम क्या है जिसमें हम यहाँ तक हम 6 कालम बनाया जाता है और इस कालम में लिखा जाता है, ठीक ना, और इसी पर अपना इसको इस पत्र को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया। बहुत आसान है, 15 नंबर में से 13 नंबर आराम से आ सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन का टेंशन नहीं है। बस हाँ, थर्ड क्वेश्चन जो कि पूछा गया, तो आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन कैसे पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए अर्धशासकीय पत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए, यानी अर्धशासकीय पत्र अर्धशास्त्रीय पत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखित प्रारूप बताइए, यानी अर्धशास्त्रीय पत्र का अर्थ बताना है और उसको लिखित प्रारूप यानी कैसे लिखा जाता है उसको प्रारूप देना है, एग्जाम्पल भी देना है। इसी तरह से कार्यालय आदेश किसे कहते हैं इसका उदाहरण देना है, विज्ञप्ति कहा से स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण देना है। तो यहाँ पर तीन पत्र पूछ दिए, सीधे अगर देखा जाए तो तीन पत्रों लिखवा लिया है आपसे। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए तो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने के लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पांच वर्ड दे दिया गया है जिसको हिंदी में लिखना है, तो ये बहुत सॉलिड मार्क्स यहाँ से आएगा, बस मेमोरी के ऊपर है। उसी तरह से पांच वर्ड दे दिया गया है हिंदी का और इसको इंग्लिश में लिखना है, यानी हिंदी में सब इंग्लिश का इसको इंग्लिश में करना है, इसको हिंदी में करना है, ठीक। उसी तरह से हम अगर हम नेक्स्ट फिर देखते हैं, तो नेक्स्ट में हम पाते हैं कि मुहावरा दिया गया है, जिसमें पांच मुहावरा दिया गया है, तो मुहावरा हमें याद करना है। बस ये प्री से थोड़ा सा अलग है ये, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो कंप्यूटर के प्रश्न, कंप्यूटर पर दो दो नंबर के पांच क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है, वर्तमान प्रदेश में लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, WWW क्या है इसकी उपयोगिता बताइए, इंटरनेट ब्राउजर क्या है, बहुत आसान है, कंप्यूटर कितनी मेमोरी होती है, रोम है, रोम क्या अंतर, तो इसको बहुत आसान है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अभिप्राय है, OS को पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है, अगर इसके बिना कोई काम नहीं होता, वर्तमान में इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, WWW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी उपयोगिता, इसी से हम सर्च इंजन काम करता है, इंटरनेट ब्राउजर यानी गूगल बिंग बहुत सारे हैं उसका उदाहरण के साथ हमारे कंप्यूटर के प्रकार कितनी मेमोरी का हो, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और रोम के अंतर बताना, बस कितना सिंपल है। ST क्या है, देखिए यहाँ पर जब हम HTTP क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो जब हम इंटरनेट पर अपना काम करते हैं तो यही एक लिंक प्रोवाइड का है, पर टेक्स्ट
इसका फुल फॉर्म है, इसके बारे में बहुत आसान है, आप पढ़ेंगे तो आराम से 10 में 10 नंबर तो इसमें आराम से ला सकते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पेपर, यानी मेंस का फर्स्ट पेपर लिखित में जो लिखा गया, जिसमें से हमको 100 नंबर मिलेगा। ठीक, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको देखिए, 2.5 घंटे में करना है, 100 नंबर मिलेगा, जिसमें से आपका देखेंगे तो 21 नंबर तो यही लेके चला आएगा, आपका 15 नंबर का ये है 15, और यहाँ पर 24 नंबर का पत्र है, 10 नंबर का, 10 नंबर का मुहावरा, 10 नंबर का कंप्यूटर। अब नेक्स्ट यहाँ पर समान ज्ञान है व्याकरण, यानी हिंदी से रिलेटेड है। अगर इसमें अगर समान ज्ञान और व्याकरण देखते हैं तो यहाँ पर देखिए तद्भुतस्तम दिया है जो हम प्री में पढ़ेंगे, फिर वही देखिए, फिर ये वन वर्ड विशेषण यानी पर्यायवाची छोड़कर सब है। तो अगर आप हम देखिए ये प्री में पूछा था इस बार, तो इस टाइप अगर आप प्री में दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। पेपर देखने से तो ये लग रहा है कि बहुत टफ नहीं है हिंदी, लेकिन हिंदी मेहनत मांगती है, इसलिए हिंदी टफ नहीं है, लेकिन उसमें नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी से बाहर और अंदर की बात होती है। अगर आप हिंदी बढ़िया कर लेंगे तो आसानी से। अब देखिए इससे पेपर है हिंदी, इससे जो कि 120 नंबर का मिलेगा, 3 घंटा मिलेगा, और यहाँ पर 3 निबंध आपको लिखना मिलेगा। अगर हम निबंध के देखते हैं तो यहाँ पर तीन निबंध मिल रहे हैं, और 600 वर्ड में लिखना है, 120 मार्क्स के हैं। यहाँ पर देखिए अभी ये निबंध है, टॉपिक नहीं, निबंध, साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध बताना है, शिक्षा और नैतिक मूल्य बताना है, वर्तमान राजनीतिक प्रदेश के माहौल बताना है, इस पर निबंध लिखना है, पर्यावरण से प्रदूषण की महत्ता, गरीबी रेखा की तलाश में सामाजिक जनजीवन की चुनौतियाँ। तो यहाँ पर भारतीय जनता, यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं तृतीय विश्व युद्ध से युद्ध की आशंका, भारत नीति, करंट अफेयर बेस, राष्ट्रीय बनाम भूमंडलीय, स्थानीय बनाम भूमंडलीय, प्राकृतिक आपदा और हमारी तैयारी। तो यहाँ पर देखिए तीन, जिसमें से एक करंट अफेयर बेस हो गया, ये आपका सब्जेक्ट से, और ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल, मतलब कि आपको थोड़ा सा विचाराधीन होना पड़ेगा, इसमें आपको भावनात्मक जाना पड़ता है। तो तीन आप देख लीजिए पेपर, जिसमें आपको कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटा में 3-1 घंटा आराम से हल हो सकता है। अब आते हैं अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अनुवाद, एक अलग पेपर है, फिर जिसमें 100 नंबर का है, 30 नंबर का एक आपको पैसेज मिल जाएगा। इस पैसेज को क्या करना है कि हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में दिया है तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। इसमें अगर ट्रांसलेट आपका सही रहा तो 25 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया है, 30 में 30 ला सकते हैं अगर ट्रांसलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, इसलिए बहुत आसान है, नंबर आ जाएगा। अब इसी तरह से आप देखते हैं तो आपको फिर देखिए एक फिर मिल गया ट्रांसलेट करने के लिए, फिर देखिए यहाँ पर फिर इसको आपको नंबर 1 और 2 को क्या करना है, यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होता है। तो आप तो ये हमको तो जहाँ तक ये लग रहा है कि करंट अफेयर बेस 3 नंबर है, अगर देखा जाए तो ये पोल्ट्री से रिलेटेड है, पोल्ट्री लीगल मैंडेट, पोल्ट्री फिजिकल मेजर, इकोनॉमी नज्ड, इकोनॉमी एक्सटर्नलिस्ट, यानी सब अगर हम इंग्लिश पेपर का देखते हैं तो ये सब आसान है। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर आ गया हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना, क्या हिंदी में दिया है अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो हिंदी से अंग्रेजी। अब इसको भी यहाँ पर भी हम 30 नंबर आराम से 25 में से तो 25 ले ही सकते हैं। तो ये देखिए फिर वहाँ पर ये देखिए इसको फिर अनुवाद करना है, फिर इसका क्या करना है, ये जो शब्द दिए हैं इसका अंग्रेजी में लिखना है। तो बहुत आसान है, अगर डेली आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और उनके शब्दों को आपको ध्यान से देख रहे हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। यानी इसी टाइप के आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कितना वर्ड, कितना सिंपल, लेकिन हाँ अगर गलती हो गया तो सीधे आपका 1 नंबर गया। ठीक ना, संक्षिप्त में व्याख्या करना है, मतलब कि इसका 1 वर्ड लिखना है, समझ रहे हैं ना, ये क्या है, लीगल विधि क्या है, लीगल ला, साइंटिफिक ला, जो भी हो इसको आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर चार देखिए यहाँ पर फिर अंग्रेजी में व्याख्या करना है, रचना को घेरे में ला कर खड़ा करना, सभ्यता की जड़ें, पूर्वानुमानित नियोजित ठहरा, वैज्ञानिक मिथक, विज्ञान की काट केवल विज्ञान से ही हो सकती है, इस पर आपको अंग्रेजी में व्याख्या करना है। ठीक है, सीधे सीधे लिख रहा है कि अंग्रेजी में व्याख्या, खुद सोचिए अगर आपको अंग्रेजी में व्याख्या करना है, हिंदी से अंग्रेजी में व्याख्या करना नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपको अगर ट्रांसलेट नहीं आ रहा है, फिर इसका व्याख्या करना नहीं आ रहा है, एक्सप्रेस द वर्ड
यानी यहाँ पर भी व्याख्या नहीं करना है, एक्सप्लेन है, कमेंट करना है, यानी एक एक लाइन आपको लिखना है, तो आप क्या फायदा, हाई स्कूल लेवल का है बस। तो आप नेक्स्ट, तो ये रहा है आपका हिंदी और अंग्रेजी, जिसको बोलते हैं क्या इंस्ट्रक्शन, यानी ट्रांसलेट प्रोग्राम, इसका नाम है अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। तो ये देखिए 3 घंटे का है, 2 नंबर का, 3 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद ये हिंदी, फिर उर्दू, अंग्रेजी से उर्दू, उर्दू से अंग्रेजी अनुवाद क्या है। ठीक, तो ये तो उर्दू वालों के लिए जो उर्दू जानते हैं, बस ख़त्म। ठीक, तो ये आपका पेपर हुआ। अब पेपर देखने के बाद हमें अगर हम पे, अब हम पेपर देखने के बाद हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, यही डिसाइड कर सकते हैं कि प्री और मेंस को दोनों को साथ लेकर चलना आसान रहेगा, और इसको कैसे पढ़ा जाए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको आपके क्या विचार हैं, कैसे इसको तैयार किया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, अपना अपना रणनीति शेयर कर सकते हैं। और मेरे रणनीति के अनुसार अगर चलेंगे तो इसमें आप देखिए, तो इसमें रणनीति में ये बताऊँगा कि जो GS है और लिखित, तो हम यही कहेंगे कि GS और लिखित, जो GS है, GS और यहाँ पर राइटिंग है। ठीक, तो राइटिंग और GS में क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें कहेंगे कि आप, सबसे आसान तरीका ये कि GS आप प्रीवियस ईयर का पेपर तैयार किया जाता है, तो आराम से पहले प्रीवियस ईयर का पेपर तैयार किया जाए, GS और क्या, और क्या बोलते हैं, यानी जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो GS है उसको एक साथ लेके चलिए मेंस और प्री के व्यू से, और दूसरा जो राइटिंग में हिंदी है, हिंदी इंग्लिश, इससे मतलब कि हम जो अभी डिस्कशन किए थे कि अपना हम सिलेबस पर अगर वापस आपके देखते हैं तो देखिए ये प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस, यानी प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस जो GS का है सेम है, सेम मान के चलिए, सेम है भी, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए केवल क्वेश्चन का अंतर है कि इसमें 120 क्वेश्चन पूछेगा और उसमें 140 क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम GS को एक तरफ रखें, फिर उसके बाद जो हिंदी और इससे लिखने वाले टॉपिक हैं उनको एक तरफ रखें। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे उल्टा, उल्टा मतलब कि पहले हम लिखने वाला टॉपिक ख़त्म करेंगे, मतलब कि हम शुरुआत करेंगे तो पहले तो इस टॉपिक को करेंगे, यानी हिंदी समान हिंदी और आलेख के टॉपिक को कंप्लीट करें, उसके बाद हम निबंध को कंप्लीट करें, उसके बाद निबंध को कंप्लीट करें, निबंध कंप्लीट करने के बाद हम फिर आते हैं ट्रांसलेट की तरफ। ट्रांसलेट कंप्लीट मतलब कि अगर हम पहले लिखने वाला कार्य कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर इससे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम ट्रांसलेट कंप्लीट करते हैं तो बचेगा फिर हिंदी और व्याकरण वाला ऑब्जेक्टिव, तो उसके बाद उस पर लगेगा। तो हमारा मेंस का तैयार हो जाएगा इधर, फिर प्री का उधर हो जाएगा, फिर टाइम मिलेगा मेंस के लिए, तो हम कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, और टाइम बता सकते हैं आप लोग कि किस टाइम मिला जाए ताकि आप लोग को भी सूटेबल रहे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।